हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड टुडे इन दिस वीडियो वी सॉल्व एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में हमें एक एपी सीरीज दी हुई है और इस एपी सीरीज में हमें बतानी है कि इसमें कितनी टर्म्स है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो फर्स्ट में इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट इसमें टर्म दी हुई है 7, सेकेंड टर्म 13 और थर्ड टर्म 19, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, इसमें बहुत सारे टर्म्स है बीच में, और लास्ट टर्म इसमें है 205। तो आपको अगर ये पता चल जाए कि 205 कौन से नंबर की टर्म है, देन यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज, इन दिस एपी। ओके, तो चलिए हम यहां पर इसमें nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है उसी से हम निकालेंगे कि ये कौन से नंबर की टर्म है। इसमें हम इसका n निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और यहां पर ए एन क्या है आपका 205 है। तो यहां पर हम वैल्यू लिख देते हैं, एन ए टर्म है ना यहां पर, ये 205 लिख दो। 205 इज इक्वल टू ए, यहां पर क्या है फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है 7 है, प्लस एन यहां पर आपको फाइंड करना है कि कौन से नंबर की टर्म है ये, तो ये इसका टर्म का नंबर हो जाएगा, और इंटू डी, डी भी हमें यहां पर फाइंड करना पड़ेगा। यहां पर हम कर लेते हैं पहले डी फाइंड, डी इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 13 माइनस 7। ओके, कोई सी भी दो टर्म्स के टर्म्स का आप डिफरेंस क्या होता है, वो डी होता है। ओके, तो यहां पर या तो आप कर लो a3 माइनस a2, या कर लो यहां पर a2 माइनस a। ओके, तो डी हम इस गल टू कर लेते हैं a2 माइनस a, तो a2 क्या है 13 माइनस 7, तो डी इज इक्वल टू यहां पर आ गया आपका 6। तो यहां पर आपने डी निकाल लिया 6, तो यहां पर ये डी के प्लेस पे 6 लिख दो। ओके, तो यहां पर ये आपका पहले इसको 7 को, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस 1 इंटू 6। अब ये कितना इसमें लेफ्ट हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8, और यहां 9, और ये हो गया 1, तो 190 इज इक्वल टू 9 माइनस 1, और इसको 6 को भी इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 6 इधर, ठीक है। अब इसको यहां पर कैंसिल कर दो, कितना हो गया यहां पर 6 3 18, और 6 3 18 33, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको 1 को इधर शिफ्ट कर दो, 33 प्लस 1, तो यहां पर क्या आ गया आपका n इज इक्वल टू आ गया 34। इसका मतलब देर आर 34 टर्म्स इन दिस एपी। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में भी आपको यहां पर ये एक एपी दी हुई है, इस एपी में आपको ये बताना है कि यहां पर ये जो -47 है ये सबसे लास्ट की टर्म है, तो ये कौन से नंबर की टर्म है, क्योंकि आपको इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, कितने इसमें टर्म्स हैं इस एपी में। तो यहां पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वही लिख देते हैं यहां पर, चलो हम पहले वो लिख देते हैं अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर a इज इक्वल टू है 18, और a n क्या है आपका, a n माइनस 47 है। ओके, और d आप यहां पे फाइंड कर लो, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a, a2 क्या है यहां पर, ये a2 माइनस a, तो 15 होल 1 बाय 2 कितना हो जाएगा 31 बाय 2, और माइनस 18। डी निकालने का फॉर्मूला यही तो होता है कि इसकी कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स होती है उनको जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा डी। तो यहां पर a2 माइनस a कर दो, या फिर यहां पर a3 माइनस a2 कर दो। ओके, तो हमने यहां पर कर दिया ये, तो यहां पर इसका a2 माइनस a कर दिया, तो 13/1 आ गया, और माइनस यहां पर 18 हो गया, तो क्या हो जाएगा ये यहां पर 2 LCM हो गया, 31 हो गया, और ये हो जाएगा 1 2 2, तो यहां पर हो जाएगा 18 2 36, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा ये 36 माइनस माइनस का आएगा, और ये आएगा 5/2, तो d इज इक्वल टू आपका आ गया -5/2। अब ये आपको यहां पर इसमें वैल्यू बस पुट करनी है, an क्या है -47 है ना, ये है ना an टर्म जो होती है, तो ये यहां पे -47 है जो हमारी टर्म का नंबर है -47, और फिर a आपका क्या है 18 है, ये रहा a 18 है ना, ये हमने लिखा हुआ था यहाँ पे 18, तो इसको यहाँ पे कर लो 18, और प्लस
एन, एन हमें टर्म निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, ये जो -47 है कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है, और इंटू 5 by -5/2 ये आपका हो जाएगा डी। तो इसको यहां पर कर लो -47 और ये आ जाएगा यहां पे -18 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 - 1 और इंटू -5/2। अब इसको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 5 और 6 - 65 और ये हो जाएगा आपका n-1 और इसको भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 5/2 है, -5/2 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा ये, है ना, तो ये रिवर्स हो जाता है ना 2/5, और या फिर हम इसको कह सकते हैं ये माइनस भी है, इसमें माइनस का साइन भी है, या हम इसको बोल सकते हैं कि 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो 5 को कर दो हम डिवीजन में, और इधर 2 इसके साथ किस में है, डिवीजन में है, तो 2 को दूसरी साइड के कर दो मल्टीप्लाई में, तो डिवीजन में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवीजन में चला जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, देखो ये प्लस था तो इधर माइनस हो गया, अगर ये माइनस होता तो इधर जाके प्लस हो जाता। अब इसको कैंसिल कर दो यहां पर, देखो ये तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस ये और माइनस ये तो ये प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं 65 × 2/5, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, और एन माइनस वन, अब इसको कैंसिल कर दो, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, अब एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 13 × 2 = कितना होता है 26 होता है, 26 और 1 भी इधर वो कर दो शिफ्ट कर दो तो माइनस का तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू आपका आगे यहाँ पे 27, इसका मतलब इसमें जो टर्म्स है वो 27 टर्म्स है। तो अब आप यहाँ पे फाइनल आंसर भी लिख दो, इससे पहले वाले में भी आंसर ये लिख देना, ठीक है, फाइनल क्या लिखना है, दस द गिवन ए पी कंटेन्स 27 टर्म्स। तो बस अब यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गया होगा, और अब अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।